हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अगर आरएसएस नहीं होती तो आज हम गुलाम होते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, पहले मैं आपको आरएसएस के बारे में बता दूं। आरएसएस का पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसकी स्थापना केशव बलराम हेडगेयर ने सन 27 सितंबर 1925 को की थी। आरएसएस का मुख्य उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हमारा भी यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगर आरएसएस नहीं होती तो आज भारत मुस्लिम राष्ट्र होता। मुस्लिम राष्ट्र का मतलब हिंदुओं का कत्लेआम होना, और हमारी हिंदू बहन बेटियों की इज्जत को सरेआम लूट लिया जाता, जैसे पाकिस्तान में होता है। सरेआम हिंदू लड़के को अगवा कर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है। उसके बाद अपने चचा जान, मम्मा जान के साथ मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, तब पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 22% थी। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 1% रह गई है। भारत में आज़ादी के बाद मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 6% थी, और आज मुसलमानों की संख्या कम से कम 20% हो गई है। जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है, वहाँ पर हिंदुओं को या तो धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है या फिर उन्हें मार दिया जाता है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आप CANRC की आड़ में हुए दिल्ली के दंगों से लगा सकते हैं। कैसे एक विशेष समुदाय ने दिल्ली को जला दिया। दिल्ली दंगे से पहले ताहिर हुसैन ने 130 करोड़ के हथियार खरीदे थे। दिल्ली को जलाने की साजिश पहले ही तय हो चुकी थी, जिसका सारा खुलासा इन व्हाट्सएप चैट में बताया गया है कि सारे मर्द एक साथ बिल्डिंग ना छोड़ें। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए रास्ते का इंतजाम करें। तेजाब की बोतलें घर में रखें, बालकनी पर ईंट और पत्थर रखें, कार बाइक से पेट्रोल निकाल कर रखें, लोहे के दरवाजे में स्विच करंट का इस्तेमाल करें, बिल्डिंग की सीढ़ियों पर तेल शैम्पू सर्फ डालें, घर में गर्म खोलता हुआ पानी और तेल का इंतजाम करें, दरवाजों को मजबूत करें, ग्रिल आयरन वाले गेट लगवाएं। इससे यह साबित होता है कि दिल्ली दंगे अचानक नहीं, पहले से ही प्लान थे और उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह अंजाम दिया गया। आपने वारिस पठान का भाषण तो सुना होगा, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। हिंदुओं, तुम सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की वजह से ही चैन से रह रहे हो, वरना या तो तुम्हें मुसलमान बना दिया जाता या फिर तुम्हें मार दिया जाता। मेरे भाइयों, जाग जाओ और मन में संकल्प लो कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और आरएसएस को सपोर्ट करो जितना हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।